हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको माइनक्राफ्ट की कुछ इलॉजिकल चीज़ें बताने वाला हूँ। वैसे तो हम सबको ही पता है कि माइनक्राफ्ट ने रेप फिजिक्स कर रखा है, बट फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा इलॉजिकल कुछ चीज़ें दिखी। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो मैं आ चुका हूँ फर्स्ट पर्सन में। अब मैं आपको वो बातें चीज़ें बताने वाला हूँ। सॉरी। हाँ, तो अब देखो, अगर हम फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन लेके तो देखो, अगर हम फायर रेजिस्ट का पोषण लेके पोषण पी के या फिर कहो लावा में जाएं, एक सेकंड सर्वाइवल में जाके बता, सर्वाइवल में जाके लावा में कूदें तो हमें कुछ नहीं। विच कहाँ से आ गई? खुली थी, मूड स्पॉइल कर दिया। आओ बचे। अबे यार हटो ना। लेना पोशन पी गए रिजनरेशन का? नहीं भाई, आई डोंट सॉरी। इसने फायर रेजिस्ट क्वेश्चन कैसे दिया वैसे भाई साहब? अरे यार कितना क्वेश्चन रखती है। बढ़िया, मर गई। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, अगर हम फायर रेजिस्टेंस का पोशन पी के लावा में कूदें, एक सेकंड, जैसे सर्वाइवल में जाना पड़ेगा। हाँ, लावा में कूदें तो हमें ऑब्वियसली बात है डैमेज नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए बिकॉज हमारे पास फायर रेजिस्ट है। बट अगर वही बोलने भी नहीं दिया कहाँ थे, हाँ ये रहा, अगर वही लावा कोल्ड्रन में हो और हमारे पास फायर रेजिस्ट का पोशन हो तो कुछ और ही बन जाएगा लावा। वाह, एक्सप्लेन माइनक्राफ्ट। अरे जाना। हाँ, अरे बस बस, देख सकते हो क्या है ये। चलो अब दूसरी बात पे चलते हैं। अगर हम रॉ आयन को लावा में या फिर रॉ गोल्ड को लावा में फेंके हैं तो वो जल जाएगा। सीधी सी बात है, जल जाएगा, आयन भी जल जाएगा, उसकी राख भी नहीं बचेगी। पर यही सेम चीज़ अगर हम इसमें करें, देखो तुम बस नीचे ये रखें और ऊपर ये रखें, या फिर रॉ गोल्ड या रॉ आयन रखें तो उसका इंगट मिलेगा, पर जब डायरेक्टली फेंकेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता। ये क्या है? ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। माइनक्राफ्ट तो इसे ठीक करने नहीं वाला, वैसे भी यही चीज़ उसे यूनिक बनाती। देखो, अगर हम बकेट में लावा लें आ जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई बकेट को, बकेट इनवेंसिबल है, कुछ नहीं पिघलेगा। पर अगर सेम चीज़ बकेट को लावा में फेंक दें तो वो जल जाएगी, अब मिलने भी नहीं वाली वो। वाह वाह, तालियां मारो। मतलब बकेट के बाहर से अगर लावा जाए तो वो जल जाएगी, अगर अंदर से है तो क्या प्रॉब्लम है, तो लावा बकेट बन गई। वाह बढ़िया है। चलो अभी अगली चीज़ पे चलते हैं, क्रिएट में जाना पड़ेगा। क्रिएट, देखो अगर हम फिश को कलेक्ट करें, अपनी इन्वेंट्री में आ जाएगी बकेट ऑफ सैल्मन, अगर नहीं पता तो आज जान लो, हमारी इन्वेंट्री में आ जाएगी। मैं क्रिएटिव में हूँ और मैं इसे छोड़ूंगा तो हमारी बकेट वापस खाली हो जाएगी, आप देख सकते हो। पर अगर वही सेम चीज़, एक सेकंड में वापस होता, मैंने मछली को कैच किया, ओके ये बकेट ऑफ सैल्मन,
कोई बात नहीं, मस्त है अभी तक तो सब ठीक है। ये भी बकेट ऑफ सैल्मन। अब ये वाली जो है ये मैंने क्रिएटिव से ली है, और ये वाली मैंने खुद उठाई है। अब अगर मैं इसे रखूँ तो ये खाली हो जाएगी एक बार के बाद, और अगर ये डालूँ तो ये अनलिमिटेड है भाई, कितनी भी मछलियाँ मैं इसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये क्रिएटिव से निकाली है। ये ना कुछ भी होता है नहीं माइनक्राफ्ट में, क्या ये सब तो माइनक्राफ्ट में चलता रहेगा। आपका एक ही काम है, सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो ये सब तो माइनक्राफ्ट में चलता रहेगा काम का, हाँ ये सब तो चलता रहेगा, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके बाय। अरे कहाँ गया। ओके बाय गाइज़।